गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहित सक्सेना एंड द सब्जेक्ट इज़ कंप्यूटर एप्लीकेशन 165 फॉर नाइन्थ क्लास। स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ सेकेंड यूनिट साइबर सेफ्टी एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज राइट सम टिप्स टू प्रोटेक्ट योर पासवर्ड। So in this video I will explain these tips. With the help of these tips you can protect your password. So now I am starting. So as you know that question is write some tips to protect your password. तो हमें ऐसे कुछ tips दिए गए हैं यहाँ पर जिनसे जो हमारा password है हम उसे ज़्यादा protect कर सकते हैं, और अगर कोई हमारे पासवर्ड को किसी भी तरह से चुराने की कोशिश करता है तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, और यू कैन से द फर्स्ट टिप इज, यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर केस लेटर्स। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप कोई पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो उसमें हमेशा एक से ही कैरेक्टर्स का यूज मत कीजिए। सपोज करिए आप अपना नेम लिख रहे हैं तो अपने नेम के सभी जो लेटर्स हैं उन्हें स्मॉल मत बनाइए, या फिर सभी को कैपिटल मत बनाइए। कुछ वर्ड्स कैपिटल लिखिए और कुछ वर्ड्स को आप लोअर केस में लिखिए। लोअर केस का मीनिंग होता है जैसे कि स्मॉल ए, और अपर केस का मीनिंग होता है कि कैपिटल ए। तो जब भी आप पासवर्ड बनाएं तो उसमें कुछ कैपिटल लेटर्स और कुछ स्मॉल लेटर्स का यूज़ करिए, प्लस एटलीस्ट वन नंबर, और कम से कम जो आप पासवर्ड बना रहे हैं उसमें लेटर्स के साथ में एक नंबर ज़रूर होना चाहिए। वो नंबर कुछ भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी नंबर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक नंबर का यूज़ तो आप उसमें कीजिएगा, प्लस वन स्पेशल कैरेक्टर। और साथ में आप लोग एक स्पेशल कैरेक्टर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एट द रेट, हैश, डॉलर, परसेंटेज, एम%, सो इस एक्सक्लेमेटरी साइन। तो आप किसी भी एक साइन का यूज़ कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं अपने पासवर्ड में कुछ लेटर्स नंबर्स के साथ। तो अगर आप ऐसा पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो इससे आपका जो पासवर्ड है उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाती है और कोई भी इजीली उसको क्रैक नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, नेवर स्टोर पासवर्ड ऑन योर डिवाइस। तो कभी भी आप लोग जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं, सपोज आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो कभी भी उस डिवाइस पर अपने पासवर्ड को स्टोर मत कीजिए। आपने देखा होगा कि जब भी आप लोग मोबाइल में नेट बैंकिंग करते हैं किसी भी ऐप के जरिए, या फिर लैपटॉप में करते हैं, तो आपके पास एक मैसेज आता है जब आप फर्स्ट टाइम लॉग इन करते हैं अपने किसी भी ऐप को डाउनलोड करने के बाद। जब भी आप फर्स्ट टाइम लॉग इन करते हैं तो आपके पास एक मैसेज आता है, यू कैन यूज दिस पासवर्ड इन फ्यूचर। सो नीचे दो ऑप्शंस दिए होते हैं, सेव और नेवर। तो सपोज करिए अगर आपने सेव कर दिया तो जो आपने आईडी और पासवर्ड उस ऐप को लॉग इन करने के लिए यूज़ किया है वो परमानेंटली आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल में या फिर आपके लैपटॉप में स्टोर हो जाता है। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम ओपन करेंगे उस ऐप को या फिर लैपटॉप में या फिर मोबाइल में, तो आपको बार बार पासवर्ड एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वैसे तो आपके लिए सुटेबल होता है कि बार बार आपको आईडी और पासवर्ड एंटर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप पहले ही पासवर्ड स्टोर कर चुके हैं अपने डिवाइस पर, लेकिन इससे पासवर्ड क्रैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आप नेट बैंकिंग वगैरह यूज़ करते हैं या फिर कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आप किसी ऐप में स्टोर करने जा रहे हैं तो ऐसी ऐप्स का जो आईडी और पासवर्ड है उसे कभी भी स्टोर ना करें परमानेंटली। आप जितनी बार भी लॉगिन करें उतनी ही बार उसको आईडी और पासवर्ड अपना एंटर करें और तब उसमें लॉगिन करें। नेक्स्ट टिप इज, क्लियर योर ब्राउजिंग हिस्ट्री एंड कैश में आफ्टर ऑनलाइन बैंकिंग एंड शॉपिंग। तो जब भी आप लोग ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं या फिर शॉपिंग करते हैं, फिर चाहे वो मोबाइल हो या फिर आपका लैपटॉप हो, तो
अपनी ये ट्रांजेक्शन्स करने के बाद हमेशा अपनी जो डिवाइस है उसमें जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है आप एक बार उसे क्लियर कीजिए, और जो आपकी कैश मेमोरी है उसे आप क्लियर कीजिए। होता क्या है कि जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं या फिर कुछ भी वर्क करते हैं आप लोग किसी भी वेब ब्राउज़र पर, तो जो भी आपने वर्क किया है वो आपकी उस वेब ब्राउज़र की हिस्ट्री में जाकर स्टोर हो जाता है। और अगर आप कोई ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हैं और आपकी जो ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री है वो ब्राउजिंग हिस्ट्री में जाकर स्टोर हो गई है, तो वहाँ से पासवर्ड क्रैकिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कभी भी आप कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, तब तो ज़रूरी ही आप लोग जो आपका वेब ब्राउज़र है उसकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसको आप क्लियर कर दीजिए। और अगर नहीं करते हैं, मान लीजिए आपने कोई ट्रांजेक्शन नहीं करी है, लेकिन उस तब भी आप लोग अपनी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसे आप क्लियर करते रहिए, क्योंकि उससे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाती है, जो स्पीड है वेब ब्राउज़र के वर्क करने की वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट चीज़ आती है इसमें कैश मेमोरी। तो जब भी आप जो भी वर्क कंप्यूटर पर करते हैं तो जिस डेटा का यूज़ बार बार आपका जो सीपीयू है वो करता है वो कहीं ना कहीं जाकर कैश मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाता है। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं या शॉपिंग करते हैं तो उस टाइम पर आप लोगों का इस ट्रांजेक्शन के बाद कुछ ना कुछ डेटा कैश मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाता है। तो इसलिए कैश मेमोरी को भी क्लियर करते रहना बहुत ज़रूरी है। और आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं तब भी आप लोग कैश मेमोरी को क्लियर करते रहिए, इससे जो आपकी रैम है वो फ्री होती जाएगी और जो आपका मेमोरी जो कंप्यूटर की जो स्पीड है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होती चली जाती है, क्योंकि ये प्राइमरी मेमोरी है और प्राइमरी मेमोरी जब क्लियर होती रहेगी तो आपकी जो परफॉर्मेंस है सिस्टम की वो बढ़ती जाएगी। नाउ द फोर्थ टिप टू प्रोटेक्ट योर पासवर्ड इज नेवर यूज नेम, बर्थडे, ड्राइविंग लाइसेंस पासवर्ड ETC एज पासवर्ड। तो जब भी आप लोग पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पर आप लोग कोई अपनी ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उस पासवर्ड में मत दीजिए जिसे कोई भी इजीली गेट कर सकता है। आपने अगर अपना नाम, अपना बर्थडे, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट या इस तरह की कुछ चीज़ें अपने अपने जो पासवर्ड बनाए हैं उसमें यूज़ की हुई हैं तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो कोई भी इजीली आपके निकाल सकता है। तो इसलिए नेम, बर्थडे, इस तरह की चीज़ें आप लोग अपने पासवर्ड में यूज़ ना करें, क्योंकि मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं। आज के टाइम पर ऐसी बहुत सारे फेक ईमेल्स आते हैं जिनमें आप लोगों को आपकी पर्सनल डिटेल्स एंटर करने के लिए कहा जाता है। तो अगर सपोज़ आप लोग अपनी कोई डिटेल ऐसे एंटर कर देते हैं तो वहाँ से आपका पासवर्ड क्रैक करने की चांसेस बढ़ जाते हैं। फेसबुक वगैरह से भी आपके नेम, बर्थडे वगैरह के बारे में पता चल जाता है। तो इसलिए अपने जो पासवर्ड बनाए हैं उसमें अपना नेम या बर्थडे या इस तरह की नॉर्मल चीज़ें जो व्हाट्सएप या और किसी भी प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया से गेट की जा सकती हैं, उन्हें आप वहाँ पर मत लिखिएगा या फिर मत यूज़ कीजिएगा। नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट टिप टू प्रोटेक्ट योर पासवर्ड इज ऑलवेज क्रिएट यूनिक पासवर्ड फॉर ईच अकाउंट। मोस्टली क्या होता है कि जब हम अपना जो पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो हम लोग उसी पासवर्ड को बार बार क्रिएट करते चले जाते हैं जो हमने मोस्टली अकाउंट्स में यूज़ किया है। जैसे कि सपोज़ आपका जो पासवर्ड जीमेल में है वही पासवर्ड आप मोस्टली फेसबुक के लिए रखते हैं, वही पासवर्ड आप लोग ऑनलाइन बैंकिंग के लिए करते हैं, और वही पासवर्ड आप लोग मोस्टली अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल डिवाइस में लगा कर रखते हैं। तो अगर जितने भी आपके अकाउंट्स हैं उन सब के लिए आप लोग एक कॉमन पासवर्ड मत बनाइए। इससे क्या होगा कि सपोज़ किसी ने एक बार पासवर्ड कहीं से लीक कर लिया, किसी भी तरह से एक बार पासवर्ड किसी ने पता कर लिया आपका, तो आपके एक ही नहीं बल्कि सारे अकाउंट आपके रिस्क पर आ जाएंगे, क्योंकि सभी में सेम पासवर्ड चल रहा है। तो इसलिए जितने भी आप अकाउंट्स बनाते हैं, जीमेल, फेसबुक या फिर आपके मोबाइल, लैपटॉप या फिर ऑनलाइन बैंकिंग और जितने भी बैंक हैं उन सभी की ऑनलाइन बैंकिंग के पासवर्ड्स को आप अलग अलग बनाइए। इससे क्या होगा कि सपोज़ अगर किसी को पता लग भी जाता है किसी एक बैंक के अकाउंट का पासवर्ड, तो बाकी आपके पास जो अकाउंट्स हैं वो सब सेफ रहेंगे और वहाँ तक आपकी जो ये प्रॉब्लम है नहीं पहुँचेगी। लेकिन अगर आपने सभी चीज़ों के पासवर्ड सेम बना दिए तो आपके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आई होप आपको ये जो
पॉइंट्स थे, सम टिप्स टू प्रोटेक्ट योर पासवर्ड, क्लियर हो गए होंगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, बाय।